कोकोनट बर्फी ऐसे है कि मुंह में डालते ही घुल जाए। और सबसे बड़ी बात, हमने इसके अंदर किसी भी प्रकार के मावे का इस्तेमाल नहीं किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ शेफ अशोक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल रेसिपीज़ के अंदर। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कोकोनट बर्फी की बहुत ही आसान रेसिपी। तो सबसे पहले, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी यम्मी रेसिपीज यहाँ मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर मिल्क लिया है। दोस्तों, मिल्क मैंने फुल फैट वाला मिल्क लिया है। तो सबसे पहले हम मिल्क को बॉईल करेंगे। एक नॉन स्टिक पैन के अंदर मैं मिल्क ऐड कर दूंगा। आप किसी भी बर्तन के अंदर, कढ़ाई के अंदर, तपेली के अंदर मिल्क गर्म कर सकते हैं। मिल्क को हम कब तक उबालना है, जब तक ये मिल्क 1 लीटर से आधा लीटर नहीं हो जाए तब तक हम इसे कंटिन्यू उबालते रहेंगे। मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर मैं गैस को चलाऊँगा और इसे कंटिन्यू उबालता रहूँगा। दोस्तों, इस तरह हम इसे कंटिन्यू उबालते हुए कम से कम 10 मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम के ऊपर उबालूंगा। और जब हमारा मिल्क आधा रह जाएगा तब हम इसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। दोस्तों, बॉइलिंग करते वक्त साइड के अंदर जो मिल्क कंटिन्यू उबलता रहेगा तो साइड के अंदर, इसके अंदर जो मलाई है ना मिल्क की, वो साइड में चिपकती रहेगी। तो हमें कंटिन्यू इसे उतारते रहना है और इसे हिलाते भी रहना है। तो करीब 7 से 8 मिनट तक हो गए मुझे मिल्क को बॉईल करते हुए। आप देख सकते हैं मिल्क मेरा आधा रह चुका है। बस इसी तरह आपको भी मिल्क को कंटिन्यू उबाल कर उसे आधा करने का है, ताकि इससे मिल्क हमारा गाढ़ा भी हो जाएगा और बर्फ़ी के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा शुगर। दोस्तों, यहाँ पर शुगर मैंने 200 ग्राम शुगर लिया है। 1 लीटर मिल्क के अंदर हम 200 ग्राम शुगर यूज करेंगे। साथ में मैं यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ हल्का सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर सुगंध के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जो हमारी कोकोनट बर्फी के अंदर जान डाल देगा। एक बार इसे हिला के बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं हम। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा कोकोनट पाउडर। दोस्तों, यहाँ पर कोकोनट पाउडर मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिया है। दोस्तों, ये मेक श्योर हो कि मिल्क हमारा उबल के कम से कम 500 ml जितना रह जाए, तब भी हमें इसके अंदर 200 ग्राम कोकोनट पाउडर डालना है। अगर मिल्क थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमें कोकोनट पाउडर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ये हमें बनाते वक्त मेक श्योर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, मैं इसे करीब 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगा तो हमारा कोकोनट पाउडर मिल्क के साथ में अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा और एकदम थिक हो जाएगा। जब ये इस तरह थिक होने लग जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे करीब 10 सेकंड तक ऐसे ही हिलाते रहेंगे। तो इससे क्या है कि हमारा कोकोनट बढ़िया सा तैयार हो जाएगा बर्फ़ी के लिए। दोस्तों, हमें इसके अंदर हल्का हल्का सा मॉइस्चर रखने का है। देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर हल्का हल्का मिल्क का मॉइस्चर रखा है। तो जब ये थिक होगा, ये जमेगा ना, तब ये कोकोनट पाउडर हमारा मिल्क सारा सोख लेगा और एकदम सॉफ्ट बर्फी बनेगी। चलिए, एक प्लेट लेते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा घी लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पर ब्रश से घी लगा रहा हूँ। आप कोई भी प्लेट्स, ट्रे, कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर आप बर्फी जमा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, उसके अंदर हल्का हल्का सा घी लगाना है या बटर लगा के उसके अंदर बढ़िया सा चारों तरफ फैला देंगे। उससे क्या होगा कि हम जो कोकोनट बर्फी ऊपर जमाएंगे ना, वो उसके नीचे चिपकेगी नहीं। तो चलिए, इसके ऊपर आप बढ़िया सा कोकोनट जो मिश्रण हमने मावा बनाया है वो सारा इसके ऊपर डालकर एकदम बढ़िया से इसे फैला देंगे स्पैचुला की सहायता से, या आप स्लाइसर की सहायता से भी फैला सकते हो। और फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर थोड़े से बादाम लिया है, बादाम की कतरन, और थोड़ा सा पिस्ता लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। बढ़िया से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा लेंगे हम, और एक बार इस पे चलो वापस घुमा लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स इस कोकोनट बर्फी के अंदर से अंदर तक चिपक जाए। बस, और साइड में एक बार मैं स्पैचुला घुमा दूंगा ताकि ये देखिए, ये हमारी लहर जो ऐसे ही बन रही है ना, एक बढ़िया सी गोल हो जाएगी। ये देखिए, आप कोई चोको ट्रे भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी जमा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं इसे 7 से 8 घंटे रेस्ट दे दूंगा और करीब 8 घंटे बाद हम देखेंगे हमारी बर्फी बढ़िया सी टाइट हो चुकी है। ये देखिए, और एकदम सॉफ्ट भी है। मैं अभी काट के दिखाता हूँ आपको। जल्दी से हम सब बर्फी को काट लेंगे और झटपट मैं इसे सर्व कर लूँगा। ये देखिए, एकदम सी सॉफ्ट बर्फी बन के तैयार हमारी, ऐसी सॉफ्ट कि मुँह में डालते ही घुल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।